हेलो सर, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर इस तरीके का कोई इशू आता है, जैसे कि अभी हमने फ्लश किया इसमें और इसका जो पानी है वो ड्रेन नहीं हो रहा है, ये बाउल के अंदर पानी भर जा रहा है, पीछे पास नहीं हो रहा है, मलवा पास नहीं हो रहा है, अगर इस तरीके का कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको कैसे आप वेरीफाई करेंगे, कैसे उसको चेक करवाना है, सारा कुछ इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसमें फ्लश करने के बाद बाउल पूरा जो है, देखिए इसमें पानी भरा हुआ है और वो पानी पीछे ड्रेन नहीं हो पा रहा है। दूसरा, मैं एक चीज़ ये कहना चाह रहा हूँ आप सबसे कि मेरे चैनल पे आप लोग जब भी जाएंगे वहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जिसे वन पीस, EWC, कमोड, टू पीस, फ्लश वाल, कंसील सिस्टम, सबके रिपेयरिंग और सबके रिव्यूज़ के वीडियो मिलेंगे। तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, उससे कहीं ना कहीं आप लोगों को कोई फायदा, कभी ना कभी कोई फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि वन पीस, देखिए सबसे पहले ये आपको ढक्कन ऊपर से हटा देना है कि अगर ये ढक्कन आपने नहीं हटाया, कहीं गलती से बाय मिस्टेक ये गिर गया तो टूट सकता है, और यहाँ से पानी बंद करना है आपको। फिर से देखिए, ये फ्लश किया हमने सिस्टम फ्लश को खाली करने के लिए, लेकिन ये क्या हो रहा है कि पानी इसके अंदर, आपका पानी बहुत धीरे धीरे, एक आध घंटे में पानी निकल तो जाता है लेकिन मलवा बिल्कुल पास नहीं हो पाता है। और देखिए इसमें वन पीस हो या टू पीस हो, इसको निकालने के लिए कहीं तोड़ फोड़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत आराम से इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इसको हिलाइए, मोमेंट करिए इसको, और वो धीरे धीरे हिलाने के बाद ये आराम से आसानी से निकल जाता है, कहीं पे भी कोई तोड़ फोड़ की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें देखिए प्लम्बर ने इसको हिलाया थोड़ा, और ये पकड़ करके इन्होंने जो है इसको, दोनों ने पकड़ा है इसको, और पहले एक दो बार इधर उधर आगे पीछे करके इन्होंने हिलाया साइड साइड से, ठीक है। तो वो हिलाने के बाद देखिए अपने आप निकल गया, क्योंकि इस पर कहीं सीमेंट की ग्रॉटिंग नहीं होनी चाहिए, ये ऐसे ही फिक्स होता है, ठीक है। और दूसरा एक चीज़ मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताने वाला हूँ कि कभी भी वन पीस लगाइए तो देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये सिर्फ यहाँ पे बैंड होना चाहिए, ना कि आपका पी ट्रैप या एस ट्रैप कुछ लगे, वहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट बैंड पे लगना चाहिए, क्योंकि कमोड के अंदर जो सीट है इसके अंदर ऑलरेडी पी ट्रैप होता है। तो क्या होता है मैक्सिमम, देखिए मैं आपको बता दूँ, प्लम्बर चेक तो करते हैं लेकिन जो जिस मेथड से जिसे हमने चेक किया है इसको, ठीक है, उस तरीके से आपको चेक करना होगा, क्योंकि अगर उस तरीके से आप चेक नहीं करवाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि आपको पता नहीं चल पाएगा। और ये लोग क्या करते हैं, जैसे मोस्टली प्लम्बर क्या करते हैं कि कमोड को इन्होंने ऐसे लिटा दिया नीचे की तरफ, और उसके बाद जो है इसको नीचे करने के बाद वो पीछे से क्या करते हैं कि जो इसका पॉइंट है, मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि इसमें एस ट्रैप होता है तो ऐसे नहीं दिखता, देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लीन दिखाई दे रहा है कि फंसा होता है, ठीक है। और मोस्टली लोग इतना ही चेक करके छोड़ देते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे कुछ नहीं है, ये तो ठीक है जी, हमने चेक करवा लिया और ये नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में ये चेक करने का जो तरीका है ये गलत है, ऐसे में आपको नहीं समझ में आएगा, नहीं पकड़ पाएंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम फॉल्ट कहाँ पे है। देखिए इसको इस तरीके से आपको उल्टा करना है, जैसे भी इसको किया है, और उल्टा करने के बाद इसमें आप लाइट, अभी तो हमने कैमरा ऑन कर रखा है मोबाइल का, और देखिए यहाँ पर आपको कुछ नज़र आ रहा है अंदर कि कुछ इसमें फंसा हुआ है, देखिए वहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जब इस तरीके से आप चेक करेंगे तभी आपको जो है समझ में आएगा। और अगर इस तरीके से कोई चीज़ फंसा हुआ है इसमें, तो देखिए वायर ले लीजिए कोई, जो वायर ऐसा वायर लीजिए थोड़ा सा वो मुड़ने में आसानी से मुड़ जाए, ठीक है, जैसे कि हैंगर वगैरह हो गया, या लोहे का थोड़ा सा 4-5 mm का कोई वायर हो गया, ठीक है। अभी देखिए ये पानी का पाइप है, अभी ये पानी का पाइप अंदर डाला, ठीक है, और पानी ऑन कर दिया है। पानी ऑन करके आप ऐसा भी कर सकते हैं कि साथ साथ वो जो वायर है उसको चलाते रहिए, ठीक है, क्योंकि जब वो वायर वहाँ पे चलता रहेगा, पानी चलता रहेगा, तो जो भी चीज़ें होंगी वो धीरे नीचे की तरफ खिसकते हुए बाहर आने की कोशिश करेंगे, तो वो जो है आपका जो है उससे आसानी से हो जाएगा। देखिए इसमें पानी का पाइप डाला हुआ है, ठीक है, पानी ऑन किया है और इसके अंदर पानी डाल रहे हैं, ठीक है। वायर हमने पहले इसमें देखा, आपने दिखाया कि हमने दिखाया आपको कि वायर पहले प्लम्बर जो भी फंसा था उसको धक्का दिया है, मारा तो वो पीछे की तरफ गया होगा, और पानी इसमें कंटिन्यू डालना है, पाइप डालना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ये आसानी से खुल जाएगा। अब देखिए इसमें क्या फंसा हुआ था, इसमें मक्की किसी ने खा करके जो है, और ये देखिए ये मक्की फंसा हुआ था इसमें,